नमस्कार दोस्तों, आजकल भाग दौड़ भरे जिंदगी में कई लोग फिटनेस के साथ स्लिम बॉडी की तरफ फोकस हो रहे हैं। अगर आप स्लिम तो है लेकिन स्वस्थ नहीं तो ऐसे बॉडी का क्या फायदा। कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी फिटनेस के बारे में अनजान होते हैं। ऐसे में एक मजबूत शरीर के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता होती है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा योगदान आपके खान पान का होता है। तो आइए हम आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जिनमें बदलाव करके आप शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। नंबर 1, खाने का समय तय करें। रोजाना अलग अलग समय पर खाना खाने से शरीर पर असर पड़ता है। इस बात को आप जितना जल्द समझेंगे और समय से खाने की आदत बनाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। पाचन तंत्र को भोजन पचाने के लिए प्रत्येक मील के बीच कुछ समय की जरूरत होती है। खाना न खाना और गलत खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जो डिनर आप रात में 7 से 8 बजे करते हैं, भूख नहीं लगने पर उसे आप देर रात 11 से 12 बजे तक करेंगे। ऐसा करने से शरीर का पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। रूटीन बिगड़ने पर बॉडी में फैट जमना सामान्य बात है। नंबर 2, नाश्ता जरूर करें। ऑफिस और कॉलेज की बिजी लाइफ के दौरान अधिकतर लोग नाश्ता ही स्किप कर देते हैं। यह आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप नियमित रूप से ऐसा ही कर रहे हैं तो 40 साल से ज्यादा की उम्र में आपको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। डेली रूटीन में नाश्ता करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके शरीर को पिछली रात के खाने के बाद कोई भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए हैवी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है। ब्रेकफास्ट नहीं करने पर आपके शरीर में एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए नाश्ता जरूर करना चाहिए। नंबर 3, हल्का गर्म पानी पिए। मानव पाचन तंत्र के लिए गर्म पानी बहुत मददगार है। यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जो सिर दर्द और शरीर के अन्य दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। गर्म पानी पीने से आंत भी साफ होती है, इससे आप गैस्ट्रिक रोग से बचे रहते हैं। गर्म पानी स्किन को हाइड्रेट और ताजा रखता है, इसलिए आप हल्का गर्म पानी पिए। नंबर 4, शुगर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स बंद करें। यदि आपको हर समय कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। यह क्रेविंग जंक फूड की भी हो सकती है। जंक फूड का सेवन भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। यदि आपको इस तरह की आदत है तो इसके बदले आप कोई फल खा सकते हैं। फल में पाई जाने वाली नेचुरल शुगर आपके सेहत के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें चॉकलेट, मिठाई, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा आदि में भी इनडायरेक्ट शुगर होती है जो आपके सेहत पर असर डालती है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करें। नंबर 5, रंगीन फल और सब्जियां खाएं। रंगों का किसी की भी लाइफ में महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बारिश होने पर हरी घास और पानी देखकर मन काफी खुश होता है। आपको अपनी डाइट में भी अलग अलग रंग वाले फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। प्रत्येक रंग के फल की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप सही खा रहे हैं या नहीं। खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों के सेवन से शरीर को काफी फायदा मिलता है। दोस्तों, खाने की बुरी आदतों को पकड़ना बहुत आसान है, और जब आप बहुत लंबे समय तक इन्हें फॉलो करते जाते हैं तो वापस से सही रास्ते पर आना मुश्किल भरा हो सकता है। आज हमने जो कुछ बातें बताई है उन्हें फॉलो करना शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो इन्हें जल्दी अपनी आदत बना लें। और इस तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।